हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रेगुलराइजेशन टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक रिज रिग्रेशन और लासो रिग्रेशन पढ़ा, आज हम लोग इलास्टिक नेट रिग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सो इलास्टिक नेट रिग्रेशन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिज एंड लासो। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं एक बार रिज और लासो के बारे में बात करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग इलास्टिक नेट के बारे में बात करेंगे। सो रिज रिग्रेशन में आपको पता है कि आप क्या करते थे, आप सिंपली जो आपका मीन स्क्वायर्ड एरर होता था उसमें आप ये पेनल्टी टर्म ऐड कर देते थे। और ये पेनल्टी टर्म क्या होता था, आपके सारे कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम, बेसिकली ये टर्म डब्ल्यू वन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू टू स्क्वायर डॉट 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 डब्ल्यू एन स्क्वायर। और ऐसा करने से क्या होता था, ओवरफिटिंग रिड्यूस हो जाता था, मतलब आपके सारे कोफिशिएंट्स का वैल्यू नीचे आ जाता था। ठीक है, और एक चीज हमने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी रिज रिग्रेशन के टाइम कि सारे कोफिशिएंट्स की जो वैल्यू होती थी, आप अगर लैम्डा का वैल्यू बहुत बढ़ाते जाओ तो कोफिशिएंट्स का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता जाता है टूवर्ड्स जीरो, बट कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब आप रिज रिग्रेशन उन केसेस में अप्लाई करते हो जहां पे आपके पास जो गिवन इनपुट कॉलम्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी हटाना नहीं चाहोगे। इस तरह के सिनेरियो में आप रिज रिग्रेशन यूज करते थे। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप लासो की बात करो तो लासो का भी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम था, एक्सेप्ट आप यहां पे एमएससी में ये एल टू नॉर्म के बदले एल वन नॉर्म ऐड करते थे, मतलब मॉड्यूलस का सम। ठीक है, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू डॉट 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 WN, ठीक है? और ऐसा करने से क्या होता था, ऐसा करने से भी आपका ओवरफिटिंग रिड्यूस होता था, बट एक और चीज होती थी कि अगर आप लैम्डा का वैल्यू बहुत बढ़ाते थे आपके कोफिशिएंट्स का वैल्यू जीरो हो जाता था, राइट? और फिर इस टेक्निक को यूज किया जाता था फीचर सिलेक्शन में, मतलब अगर आपका कोई पर्टिकुलर इनपुट कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लासो रिग्रेशन यूज करके उसको हटा सकते हो। इसका मतलब लासो रिग्रेशन आप ऐसे डेटा सेट के ऊपर यूज करोगे जहां पे आप श्योर हो कि कुछ इनपुट कॉलम्स इंपॉर्टेंट है टारगेट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने के लिए और कुछ इनपुट कॉलम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उन इंपॉर्टेंट कॉलम्स को रख लोगे और अनइम्पॉर्टेंट कॉलम्स को हटा दोगे बाय अप्लाइंग लासो। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है रिज और लासो में, मैं एक बार समराइज कर रहा हूं। रिज आप उस डेटा सेट में यूज करोगे जहां पे आपको पता है कि सारे कॉलम्स इंपॉर्टेंट हैं, और लासो आप वहां पे यूज करोगे जहां पे आपको पता है कि आपके सारे कॉलम्स का एक सबसेट इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इफ आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है जिसमें मतलब देर आर आई डोंट नो 100 कॉलम्स या शायद उससे भी ज्यादा, इतने ज्यादा कॉलम्स कि आपको हर कॉलम के बारे में पहले से पता नहीं हो सकता कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है टारगेट को प्रिडिक्ट करने के लिए, मतलब आप बिफोर हैंड नहीं बता पा रहे कि आपको रिज रिग्रेशन यूज करना पड़ेगा या लासो रिग्रेशन यूज करना पड़ेगा। इस तरह के सिनेरियो में आपको हेल्प करता है इलास्टिक नेट रिग्रेशन। इलास्टिक नेट रिग्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रिज का और लासो का। ठीक है, सो अगर आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है जिसमें आपको पता नहीं है कि रिज लगाना चाहिए या लासो लगाना चाहिए तो आप इलास्टिक नेट रिग्रेशन लगाओगे। ठीक है, अब कैसे काम करता है इलास्टिक नेट रिग्रेशन वो देख लेते हैं। इलास्टिक नेट रिग्रेशन का जो लॉस फंक्शन होता है वो एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लेट मी शो यू। सो अगर आपका सिग्मा वाई आई माइनस वाई आई हैट स्क्वायर, ये तो होगा ही क्योंकि ये एमएससी वाला टर्म है, प्लस ए टाइम्स रिज वाला पेनल्टी प्लस बी टाइम्स लासो वाला पेनल्टी, दिस इज द लॉस फंक्शन फॉर इलास्टिक नेट रिग्रेशन। ठीक है, जस्ट एक बात पे ख्याल रखना कि ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, सॉरी ये जो आपके टर्म्स हैं ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे यहां पे लैम्डा था, यहां पे वो ए और बी है। ठीक है, और अगर आप scikit-learn के इंप्लीमेंटेशन का बात करो तो scikit-learn में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलता है कि लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर एक चीज होती है एल वन रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय ए
प्लस बी, ठीक है? तो आपको लैम्डा और L1 रेशियो, ये दो हाइपर पैरामीटर्स मिलते हैं, और इनको यूज करके आप A और B का वैल्यू डिसाइड करते हो, ठीक है? मतलब सिंपल है, बाय डिफॉल्ट जो लैम्डा का वैल्यू होता है वो होता है 1, और L1 रेशियो का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.5। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि A का वैल्यू, दो इक्वेशंस है, दो अननोन्स है, A का वैल्यू हो जाएगा 0.5 और B का वैल्यू हो जाएगा 0.5, ठीक है? सो बाय डिफॉल्ट आपके जो पैरामीटर्स हैं उसमें आपका A और B को इक्वल रखा गया है, ठीक है? मतलब बराबर अमाउंट में आपको रिज रिग्रेशन लगाना है और बराबर अमाउंट में आपको लैसो रिग्रेशन लगाना है। बट अगर आप L1 रेशो बढ़ा दो, L1 रेशो अगर आप मान लो 0.9 कर दो, तो आप बोल रहे हो कि 90% आपको रिज रिग्रेशन लगाना है और 10% आपको लैसो रिग्रेशन लगाना है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल एल्जिब्रा है कि आप दो इक्वेशन से दो अननोन्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो। इसी को आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो कि L1 इज इक्वल टू A बाय लैम्डा, तो A इज इक्वल टू L1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा एंड B इज इक्वल टू लैम्डा माइनस A। सो अगर आपके पास L1 और लैम्डा दिया हुआ है तो आप बहुत इजिली A और B कैलकुलेट कर सकते हो, और वही A और B आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है? सो इट्स वेरी सिंपल, मतलब यहाँ पे कंसेप्चुअली कुछ भी अलग नहीं है। इट्स बेसिकली आपके पास दो हाइपर पैरामीटर्स हैं जिससे आप ये कंट्रोल कर रहे हो कि ज्यादा रिज लगाना है या ज्यादा लासो लगाना है, और उन दोनों का जो मतलब बराबर में डिवाइड करना है या फिर एक को ज्यादा पावर देना है दूसरे के ऊपर, ठीक है? मतलब आप दोनों चीजों को साथ में अप्लाई कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो कि कितने वैल्यू में कोई एक रिग्रेशन अप्लाई होगा। दैट्स इट, यहाँ पे उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है? एक और चीज, अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट कि आप बहुत बड़े डेटा सेट्स के ऊपर इलास्टिक नेट रिग्रेशन लगाते हो, एक और डेटा सेट होता है, एक और टाइप का डेटा सेट होता है जहां पे आप इलास्टिक नेट रिग्रेशन लगाते हो, एंड दैट इज जब आपके इनपुट कॉलम्स में मल्टी कोलिनियरिटी होता है। मैंने अभी तक इस टर्म के बारे में ज्यादा बात नहीं की है। मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है? जब आपके दो इनपुट कॉलम्स आपस में बहुत एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब एक का वैल्यू दूसरे को चेंज करेगा, समथिंग लाइक वेट एंड हाइट। तो जनरली जब हाइट बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, तो इन दोनों कॉलम्स के बीच में फिर मल्टी कोलिनियरिटी है, ठीक है? तो अगर आपके इनपुट डेटा में बहुत ज्यादा मल्टी कोलिनियरिटी है तो फिर बोला जाता है कि यू शुड यूज इलास्टिक नेट रिग्रेशन, ये आपको बढ़िया रिजल्ट्स देगा, ठीक है? सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको जल्दी से एक डेटा सेट के ऊपर इलास्टिक नेट रिग्रेशन लगा के दिखाता हूँ, और फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसे होती हैं, ओके? सो मैंने एक कोड लिख रखा है, आई विल शो यू दैट कोड। सो दिस इज द कोड, और हम फिर से डायबिटीज वाले डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने सारे इम्पोर्ट्स ले लिए, एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट कर लिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया। सबसे पहले मैंने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया विदाउट एनी रेगुलराइजेशन, एंड यू कैन सी मेरा R2 स्कोर इज कमिंग आउट टू बी 0.43। फिर मैंने रिज रिग्रेशन अप्लाई किया विथ अल्फा वैल्यू ऑफ 0.1, एंड यू कैन सी जो हाईएस्ट मैं अचीव कर पाया वो 0.45 था। मैंने अलग अलग वैल्यूज के लिए ट्राई किया लेकिन सबसे बढ़िया रिजल्ट मुझे 0.1 के लिए ही आ रहा है, ठीक है? फिर मैंने लैसो ट्राई किया और लैसो में मुझे बेस्ट रिजल्ट 0.01 के लिए ही आया, एंड यू कैन सी यहाँ पे स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा है रिच इन कंपैरिजन टू लैसो, ठीक है? और फिर मैंने लास्ट में इलास्टिक नेट लगाया जहां पे मैंने अल्फा का वैल्यू 0.005 रखा और L1 रेशियो 0.9 रखा। 0.9 रखने का मतलब मैं ज्यादा वेटेज रिच को दे रहा हूँ इन कंपेरिजन टू लैसो, और ये रन करने पे मुझे स्लाइटली बेटर रिजल्ट मिला आपका सिर्फ रिच जब मैंने अप्लाई किया, ठीक है? तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, जा करके ये जो दो हाइपर पैरामीटर्स हैं इनका वैल्यू चेंज करके आप सही वैल्यू फेच कर सकते हो यूजिंग ग्रिड सर्च CV और रैंडम सर्च CV, ठीक है? इट्स बेसिकली हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ओके? एक और चीज जो मैं आपको जल्दी से बताना चाहूंगा वो ये है कि आप ये सेम, बाय द वे दिस इज द क्लास इलास्टिक नेट रिग्रेशन, मैंने यही क्लास यूज किया था, अल्फा और L1 रेशियो। यहाँ पे यू कैन सी अल्फा का डिफॉल्ट वैल्यू इज 1 एंड L1 रेशियो का डिफॉल्ट वैल्यू इज 0.5, और ये रहा वो फॉर्मूला जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है? तो आप या तो इस
क्लास को यूज करके इलास्टिक नेट रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप एसजीडी, आई एम सॉरी नॉट एसजीडी क्लासिफायर, आप एसजीडी रिग्रेसर वाली क्लास को भी यूज करके ये सेम काम कर सकते हो। आई विल क्विकली शो यू। सो एसजीडी रिग्रेसर में अगर आप जाओ, वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, लॉस में, आई एम नॉट, आई एम सॉरी लॉस में नहीं, पेनल्टी में आप L2 L1 दे करके लासो और रिज अप्लाई कर सकते हो, और आप चाहो तो इलास्टिक नेट दे करके आप इलास्टिक नेट भी अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली साइकिटलर्न आपको दो ऑप्शंस दे रहा है इलास्टिक नेट रिग्रेशन अप्लाई करने के। इधर यू कैन डायरेक्टली यूज इलास्टिक नेट और यू कैन यूज एसजीडी रिग्रेसर। ठीक है, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ इलास्टिक नेट बिकॉज ये क्लास ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और स्पेसिफिकली बना हुआ है इसी काम को करने के लिए, तो आई प्रेफर इलास्टिक नेट। बट आई थॉट कि आपको बता देना चाहिए कि एक और तरीका भी है। ठीक है, अब आई वुड आस्क यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कैगल पे जाओ और कोई थोड़ा बड़ा डायमेंशनैलिटी का डेटा सेट उठाओ, लाइक जिसमें 50 कॉलम्स हो या उससे ज्यादा कॉलम्स हो, और उसके ऊपर आप तीनों चीजें अप्लाई करके देखो। आप अप्लाई करो रिच, आप अप्लाई करो लैसो, और आप अप्लाई करो इलास्टिक नेट, और अपने ऑब्जर्वेशन को डॉक्यूमेंट करो। ठीक है, देखो कि ये सच में ट्रू है कि नहीं कि बड़े डेटा सेट्स के ऊपर आपको इलास्टिक नेट ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, सो या दैट्स इट, इट्स अ स्मॉल वीडियो, हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। एंड विद दैट हमने लीनियर रिग्रेशन वाला पूरा जो मॉड्यूल था जो हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं वो भी कंप्लीट कर लिया। नाउ विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट एल्गोरिदम, दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।